बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजाज़ अली टीवी। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या लेस्को का किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर आप लोग अपनी पिक्चर, फ़ोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप दोस्तों को जो वहाँ पर फाइल रिक्वायर होती है, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए उसके जो पिक्सल होते हैं वो बहुत लो होते हैं, यानी कि वो आपको केबी में मांगते हैं। जो रिसेंटली जॉब्स चल रही हैं उसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ऐसा ही एरर फेस करना पड़ रहा है, जिसमें 30 KB, 40 KB, 50 KB, समथिंग 100 KB से कम पिक्चर का साइज़ मांगा जा रहा है। तो बेशुमार दोस्त इस वजह से परेशान हैं कि पता नहीं हमने कैसे इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आप सब दोस्तों के लिए इम्पोर्टेड होने वाली है। अगर आपने पिक्चर का साइज़ फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में आपको इस चीज़ की लाजमी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की वीडियो बेहद इम्पोर्टेड है, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा डेली बुनियाद पर इस जैसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट के अपने काम का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने थोड़ा फोकस करना है, समझने की कोशिश करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है, रिड्यूस फोटो साइज, तो इसको जी आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इसको जी ओपन करते हैं, यहाँ पर ये आपसे सेलेक्ट फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है, ये डायरेक्ट मुझे लेके जाएगा मेरी जो भी है जी गैलरी। गैलरी से मैंने पिक्चर, गैलरी पे क्लिक करूँगा यहाँ से जी। गैलरी से मैं यहाँ से पिक्चर एक सिलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये वाली पिक्चर है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। तो सिलेक्ट करने के बाद जी ये कुछ इस तरह का मुझे साइज़ इसका शो होगा। तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिड्यूस का, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्योंकि ये पिक्चर की क्वालिटी पहले ही लो है, मैं बैक करता हूँ, यहाँ से किसी और क्वालिटी की पिक्चर मैं लेता हूँ, ताकि आप दोस्तों को बेहतर गाइड कर सको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको जी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर उसके बाद दोस्तों को सही समझ नहीं आती, फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये जी एक पिक्चर है, मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये 136 KB की पहले है। अब मैं रिड्यूस पे क्लिक करता हूँ, आपको जितनी भी इसकी क्वालिटी चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये 176, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जी इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेव एज करता हूँ, यहाँ से सेव पे बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले वाली का साइज़ क्या था और बाद में इसका साइज़ क्या हो चुका है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आल पिक्चर पे ये पिक्चर आ चुकी है, यहाँ डिटेल्स पे जाता हूँ, तो ये देख सकते हैं जी 10 KB की ये कन्वर्ट हो चुकी है, जबकि पहले ये कितने KB की थी वो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। पहले इसके जो पिक्सल थे जी वो ज़्यादा थे, ठीक है, इतने नहीं थे, बेशुमार पिक्चर्स हैं, अब ढूँढना मुश्किल है। तो बहरहाल इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीक़ाकार है जी, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का हमारा जो भी तरीकाकार बताया गया है ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एंड डेली बुनियाद पर आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।